नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित भदौरिया। आप लखनऊ में जब आप घर ढूंढते हैं छोटे साइज के, तो बहुत ही प्राइम लोकेशन पे घर खोजते रहते हैं। तो वैसे ही प्राइम लोकेशन के ये दो घर आपके बीच में लेके आए हुए हैं। ये घर जो हैं मेन रोड से मात्र 100 मीटर की डिस्टेंस पे, मेन हाईवे से मात्र 100 मीटर की डिस्टेंस पे आपको मिलेंगे। चारबाग से बहुत ही नज़दीक में मिलेंगे। चारबाग से मुश्किल से आपको 7 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ही आपको घर मिलेंगे। अगर आप दुबग्गा एरिया के आसपास में घर खोज रहे हैं, तो वैसे ही ये दो घर आपको बने हुए हैं बहुत ही प्राइम लोकेशन के। अंदर से देखते हैं किस तरीके से ये घर बने हुए हैं, तो आपको सारा आइडिया लग जाएगा। अंदर का घर दिखाने से पहले आपको बता देता हूँ, सामने लगभग आपको ये जो रोड है ये 22 फीट की आपको रोड मिलेगी। नगर निगम के अंदर ये आपको घर मिलेंगे। सामने का जो अगर फ्रंट की बात करेंगे इस घर की, तो 15 इसका फ्रंट मिलेगा, 40 की इसकी डेप्थ मिलेगी। 3 कमरों का बढ़िया बना हुआ, मजबूत बना हुआ पश्चिम दिशा का ये पूरा घर जो है आपको मिलेगा। अंदर से आके देखो किस तरीके से ये बना हुआ है। सामने का फ्रंट एलिवेशन देखो, खूबसूरत तरीके से, मजबूत तरीके से, बढ़िया तरीके से ये पूरा घर आपको बना हुआ नज़र आ जाएगा। बढ़िया मजबूत तरीके का ये लोहे का आपको गेट जो है लगा हुआ आपको नज़र आ जाएगा। अंदर की जो पार्किंग है, इसके अंदर आप बाइक तो आराम से 2 से 3 बाइक आराम से पार्क कर सकते हैं। कार नहीं पार्क हो पाएगी। अगर आपको कार पार्क करना है तो बाहर ही करना पड़ेगा। बाहर काफ़ी चौड़ी रोड है जो आगे जाके बंद हो जाती है, तो आपकी सेफ्टी वाइज पूरा बढ़िया तरीके से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अभी ये घर में फिनिशिंग का काम, लास्ट फिनिशिंग का काम चल रहा है, तो थोड़ा गंदगी वगैरह ज़रूर दिख रही होगी, लेकिन आप क्वालिटी वाइज देखेंगे, आपको क्वालिटी में बिल्कुल भी समझौता आपको नहीं मिलेगा। पश्चिम दिशा का घर है ये, आप देखेंगे बड़ी सी विंडो यहाँ पे लगी हुई है। इसके अंदर अभी जो काम अभी बाकी है, इसके डोर लगने बाकी हैं, वो सारे डोर आपको लगा के आपको दिए जाएंगे। नीचे में सारा टाइल्स वगैरह का काम आप देखेंगे सारा हो चुका है, लेकिन अभी सफाई नहीं हुई है तो इसलिए गंदा लग रहा होगा। अगर इस रूम के साइज की बात करें, तो 8 फीट की इसकी चौड़ाई आपको मिलेगी और 14 फीट इसकी आपको लंबाई जो है वो आपको मिल जाएगी। ऊपर में आप देखेंगे POP का बढ़िया तरीके का सारा काम, लाइट का पूरा बढ़िया तरीके का काम आपको हुआ आपको मिल जाएगा। यहाँ आप देखेंगे AC के भी सारे पॉइंट लगे हुए नजर आ जाएंगे, TV के भी सारे पॉइंट लगे हुए नजर आ जाएंगे, फैन वगैरह सारे जो आपके सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रिसिटी का सारा काम आपको हुआ आपको मिलेगा। फाइनल इसके अंदर जो अभी बहुत सारा काम बाकी है, जो छुटपुट काम, वो सारा आपको होके आपको पूरा मिलेगा। जैसे अभी डोर लगना बाकी है, विंडो लगना बाकी है, क्योंकि ऐसे घर ऐसी प्राइम लोकेशन पे होते हैं तो बहुत जल्दी ये सेल होते हैं, तो इसलिए मैं आपको अभी फिनिशिंग चल रही है तभी आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप आएंगे तो ये आपको खुला सा एरिया आपको 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 हॉल का बड़ा सा एरिया आपको मिल जाएगा। लगभग ये आपको 9 फीट इसकी आपको चौड़ाई जो है ये आपको 9 फीट मिलेगी, और ये लगभग 15 फीट ये पूरा लंबाई आपको मिल जाएगी। इधर आपको किचन जो है, आपको किचन इस तरीके से स्लैब वगैरह बना के दी जा रही हैं। यहाँ पे आपको विंडो लग के पूरी मिलेगी और डोर जो है लग के आपको पूरा आपको मिल जाएगा। सारे सिंक वगैरह सारा आपको लग के यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। इधर आके देखेंगे तो ये आपको OTS का एरिया आपको मिल जाएगा। यहाँ आपको नेचुरल लाइट जो है आपकी आती रहेगी, तो इसलिए आपको छोटा OTS का एरिया आपको मिल जाएगा। यहाँ पे अपना हाथ धोने के लिए सिंक वगैरह सारे आपको लगे हुए मिल जाएंगे। इंडियन स्टाइल का आपको बाथरूम जो है बना हुआ आपको नज़र आ जाएगा। 7 फीट की हाइट तक सारे टाइल्स वगैरह इसमें लगे हुए आपको नज़र आ जाएंगे। लगभग अगर इसके साइज की बात करें, 5 फीट के आसपास इसकी लगभग आपको चौड़ाई मिलेगी और 8 फीट के आसपास लगभग ये लंबाई जो है आपको पूरी मिल जाएगी। इस तरफ आके देखेंगे तो ये इस घर का ये दूसरा रूम, आपका बेडरूम जो है ये आपको मिल जाएगा। अगर बेडरूम के साइज की बात करें तो 9 फीट इसकी लगभग ये आपको चौड़ाई मिलेगी। अगर लंबाई की बात करें तो 14 फीट के इसके आसपास इसकी लंबाई आपको मिल जाएगी। ऊपर में आप देखेंगे POP का पूरा काम हो रखा है, लाइट का पूरा काम हो रखा है। अभी लाइट का कनेक्शन नहीं लगा है, क्योंकि जो नए घर बनते हैं उसमें जब आप नया घर खरीदते हैं तभी आपके नाम से बिजली का कनेक्शन होता है, इसीलिए कनेक्शन नहीं लगा हुआ। जब आप घर ले लेंगे तो आप अपना कनेक्शन करवा सकते हैं। मजबूती वाइज इस घर में आपको कोई भी कमी नहीं मिलेगी। बढ़िया तरीके से बढ़िया मटेरियल सारा लगा हुआ आपको नज़र आ रहा है, मुझे भी नज़र आ रहा है। ऊपर आएंगे स्टेयर्स पे आपको स्टील की ग्रिल मिल जाएगी, मार्बल सारा स्टेयर्स पे लगा हुआ आपको मिल जाएगा।
ऊपर में यहाँ पे एक बहुत बढ़िया चीज़ है कि आपको खुला सा, इतना बड़ा सा खुला सा एरिया जो है ये पूरा आपको मिल रहा है। तो अपना शाम के वक्त अपना चेयर वगैरह डालना है, सोफ़ा वगैरह डालना है, ग्रीनरी वगैरह करनी है, वो सारा कर सकते हैं। 2 फीट ये इधर आपके आसपास, 2 फीट के आसपास ही बालकनी का ये छज्जा जो है 2 फीट के आसपास निकला हुआ आपको नज़र आ जाएगा। बाकी इस तरफ आप देखिए, ऊपर में भी यहाँ भी POP आपको लगा हुआ नज़र आ जाएगा। लाइट का काम, सारा काम हो रखा है। ऊपर में आपको बड़े साइज का रूम मिल जाएगा। रूम का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है, 11 फीट इसकी लगभग आपको चौड़ाई मिलेगी और 15 फीट के आसपास इसकी जो लंबाई है वो आपको 15 फीट के आसपास मिल जाएगी। पूरा रूम देख लो, अगर आपकी बड़ी भी फैमिली है तो 3 रूम आराम से आपको मिल रहे हैं। ऊपर का रूम तो इतना बड़ा है कि आप बड़ा सा बेडरूम आप बना सकते हैं। विंडो वगैरह सारी लग के मिलेंगी, इसमें जो दरवाज़ा है वो लग के मिलेगा, इसमें इस तरफ आपको विंडो लग के मिलेगी। तो ये आपने तीसरा रूम, इसका बड़ा सा तीसरा रूम आपने देखा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये पूरा छत का एरिया भी आपको मिल रहा है। छत पे जाने के लिए स्टेयर भी आपको लगी हुई आपको नज़र आ जाएगी। और इस तरफ अच्छी बात ये है, इस तरफ आपको बाथरूम भी, बड़ा सा इंग्लिश स्टाइल का आपको बाथरूम भी बना हुआ आपको नज़र आ जाएगा। बढ़िया कॉलोनी में घर है, बढ़िया तरीके से बना हुआ घर है, 3 कमरों का घर है, अच्छी लोकेशन का घर है। चारबाग लगभग 7 किलोमीटर, एयरपोर्ट लगभग 8 किलोमीटर मिलेगा। अगर दुबग्गा चौराहे की बात करें तो दुबग्गा चौराहा यहाँ से मात्र आपको 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको मिलेगा। हरदोई बाईपास रोड यहीं आपके पास से गुजरती है, तो उसी पे ये घर है। अगर लोक एरिया की बात करें तो ये एरिया जो है इसको दुबग्गा ही एरिया बोलते हैं। तो अगर आपको दुबग्गा एरिया में घर चाहिए, बढ़िया सा घर चाहिए, बढ़िया मजबूत तरीके का घर चाहिए और इस तरीके से खूबसूरत तरीके से बना हुआ घर चाहिए जिसमें सारा काम आपको अच्छे से हुआ हुआ हो, तो वो घर आप ये देख सकते हैं। अगर फाइनेंस की बात करें तो इस घर पे आप बिजली फाइनेंस करा सकते हैं। फाइनेंस जो है 90% तक हो जाएगा, लेकिन आपकी प्रोफाइल जो है उस तरीके की होनी चाहिए ताकि आपका फाइनेंस हो जाए, क्योंकि फाइनेंस कराने के लिए आपकी प्रोफाइल का मजबूत होना ज़रूरी है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपकी फाइनेंस की प्रोफाइल, अगर आपको लेना है लोन पे घर तो आपकी प्रोफाइल आपको मजबूत होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं अलग अलग जगहों से डिस्टेंस की। अगर हम चौक की तरफ के आप रहने वाले हैं और इधर दुबग्गा की तरफ चाहते हैं तो बहुत अच्छी लोकेशन पे आपको घर पड़ेगा। इधर आपको अगर मेडिकल कॉलेज की तरफ जाना है किसी को तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया पड़ेगा। अगर आपको इधर जाना है हजरतगंज की तरफ, चारबाग की तरफ, राजाजीपुरम की तरफ, बुद्धेश्वर की तरफ, आलमबाग की तरफ या कहीं भी शहर के अंदर अमीनाबाद की तरफ, नखास की तरफ, कहीं भी इस तरफ जाना है तो बहुत अच्छी लोकेशन पे है। हरदोई बाईपास रोड की तरफ जाना है वो भी आपको बढ़िया नज़दीक मिल जाएगी, IM रोड भी आपको नज़दीक मिल जाएगी, आउटर रिंग रोड भी नज़दीक मिलेगी। बहुत अच्छी लोकेशन का पूरा घर जो है आपको मिल जाएगा। इस घर को अगर आपको देखने के लिए आना है, 1.5 मंजिला 600 स्क्वायर फिट का बढ़िया बना हुआ घर प्राइम लोकेशन का, तो कॉल करने का टाइम 9 बजे से 7 बजे के बीच में ही है। उसी बीच में आप कॉल करिए और घर देखने के लिए आ सकते हैं। घर देखने के लिए 1 दिन पहले ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि तुरंत में पॉसिबल नहीं होता है, तो 1 दिन पहले आप हमें बता दीजिएगा तो हम आपको दिखवा देंगे। हमारे पास इस एरिया में तो बहुत सारे घर अवेलेबल हैं ही, लखनऊ के बहुत सारे अलग अलग एरियाज में बहुत सारे घर अलग अलग बजट में, अलग अलग साइज में अवेलेबल रहते हैं। एक चीज़ ज्ञान की बता देता हूँ तो उसको आप जैसे चाहे ले सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है, घरों के जो प्राइसेज हैं वो घर की लोकेशन क्या है उसके आधार पे डिसाइड होते हैं। तो हर, जैसे ये 600 स्क्वायर फिट का घर अगर प्राइस बताएंगे तो आपको हो सके कि ज़्यादा लगे, लेकिन लोकेशन वाइज घरों के प्राइस रहते हैं तो उसके आधार पे ही आप घर को जज करिएगा। क्योंकि लोकेशन अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है कि प्राइसेज ज़मीन के ज़्यादा होंगे तो वो घर आपको महंगा आपको लग सकता है। तो अगर इस घर के प्राइस की बात करें तो इस घर का प्राइस जो है 35 लाख रुपए, बहुत ही कम है। इस लोकेशन को देखते हुए ये 35 लाख रुपए में घर मिलेगा, जो कि इस लोकेशन के हिसाब से बहुत ही कम है। ऐसी लोकेशन पे घर तो मिलते ही नहीं हैं। तो अगर आप ये घर देखने के लिए आना है तो देखने के लिए कॉल कर सकते हैं। और अगर आपको चैनल के वीडियो पसंद आते हैं प्रॉपर्टी ग्रह के, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें,
ताकि आपके बीच में हम इस तरीके के बेहतरीन बढ़िया खूबसूरत घर लखनऊ में अलग अलग लोकेशन के आपके बीच में लेके आते रहें। थैंक यू सो मच।